कोरबा में कलेक्टर सभागार में डीएमएफ के अंतर्गत शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के वाणिज्य श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कोरबा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरण दास, महंत विधायक प्रेमचंद्र पटेल, विधायक फूल सिंह राठिया, तुलेश्वर सिंह मरकाम समेत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष जरूरत वाले कार्यों पर कार्य योजना बनाकर पेश किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने सहमति प्रदान की। तो वही जनप्रतिनिधियों द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मीडिया से चर्चा कर अन्य जानकारी दी। बहुत सारे नए नए प्रपोजल को आज अनुमोदन किया गया है, बहुत सारे काम को प्रत्याशन किया गया है, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को वहाँ पर रखे हैं और हम लोगों ने सभी कामों को स्वीकृति देने का कहा है। बहुत सारे कलेक्टर महोदय के माध्यम से अलग अलग मल्टी पार्किंग का भी बात रखा, उसको हम लोग अभी कहा था कि उसका कुछ निर्माण बाकी 4 करोड़ करीब का, उसका निर्माण अभी ठेकेदार काम कर नहीं रहा है, उसको निरस्त करके दूसरे टेंडर करने के लिए कहा है। और उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि उसमें कोई हॉस्पिटल खोला जाए अच्छा से, ऐसे टाइप का योजना बन रहा है, बाकी देखिए भविष्य में उसमें क्या योजना हम लोग साथ रखें। बाकी अभी तो मनसा है कि उसमें बड़ा हॉस्पिटल खुल जाए, खेल कूद अभी भी बड़ा इंडोर स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर में बनने जा रहा है, उसके लिए भी कुछ किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, आंगनबाड़ी, भवन जितने भी हमारे जाजर हैं सारे को जहाँ पर भवन नहीं वहाँ भवन बना जाए, जहाँ पर भवन जाजर है नवीनीकरण किया जाए। अभी डी एम की बैठक आज बजट था, कार्य योजना लाई गई, तो जहाँ तक के है कार्य योजना तो बहुत पहले है। आप देखे होंगे जिस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण योजना नल जल मिशन, किस तरीके से पानी हमें नहीं मिल रही है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा जो है बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। इतना बड़ा राजस्व जिला है हमारा कोरबा जिला, ये कोरबा तो समझिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में टॉप में होना चाहिए, पर दुर्भाग्य हमारे से है कोरबा जिला का कि यहाँ ना तो सिंचाई सुविधा खेतों को पानी है। डैम हमारे पास है मांगो का डैम, आज हमने जिला पंचायत में बात रखी कि वह जो विस्थापित परिवार हैं जो मांगो डैम से विस्थापित हुए उनको स्थानीय जो वहाँ का कमेटी बनाकर उनको मछली मारने का ठेका दिया जाए। उसके साथ साथ हम मैंने मांग किया कि वहाँ पर उद्वहन सिंचाई के माध्यम से खेतों को पानी दिया जाए, जिससे कि किसानों को आमदनी दोगुनी हो। उसके साथ साथ जिले पर विधानसभा क्षेत्र पर स्कूल जर्जर स्कूल है, उसके जीर्णोद्धार के लिए, सड़क के लिए और स्वास्थ्य के लिए, इन तमाम विषयों पर हमने बात रखी है। जनरल बैठक हुई है लोगों की कि कितना हम लोग कैसे काम करना है, नई गाइडलाइन जो आई है, जो नियम बदले हैं उस पर विचार हुआ है, और जो भी बातें हैं सेग्रीगेशन जो होता है ना कि भाई इसमें ये काम इतने में करना है उसका प्रस्ताव बाद में लिए जाएंगे और प्रायोरिटी के हिसाब से सारे काम किए जाएंगे, ऐसा कि सभी लोग सहमत हैं। एक सांसद के तौर पे आपने किस सेक्टर पे ज़्यादा काम करने के लिए? देखिए मेरा स्तर पहला रहता है स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, भवन जो कि जर्जर हैं उन्हें ठीक करना, और जो पेयजल है इसमें मैंने मेन मुद्दा ये लिया कि जो जल जीवन मिशन है वो ज़्यादातर सही नहीं चल रहा, तो मंत्री जी के सामने ही कहा, उन्होंने इस बात को माना भी और कहा कि ये युद्धस्तर पे इस पे जांच होनी चाहिए कि कितने काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहीं टंकी है तो पानी नहीं, पानी है तो टंकी नहीं, आधे गाँव में पानी आ रहा है आधे में नहीं आ रहा है, तो ये बहुत जटिल समस्या है जो 2024 में होनी थी, मतलब कंप्लीट होनी थी, जो अभी तक मेरे हिसाब से तो 5-7 साल और नहीं होनी है। तो गांव में यदि हमारी प्राथमिकता है एक शुद्ध जल देने की, क्योंकि यहां ग्रामीण एरिया है।